नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अंडर में NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यहाँ पर कुछ रिसर्च और प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं जिसके लिए वैकेंसीज निकाली जाती है, जिसके लिए आज जो है 29/11/2022 को ये वैकेंसीज निकाली गई थी। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है। चेन्नई में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी, चेन्नई की ये पोस्ट है। वॉक इन इंटरव्यू 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा। इसमें कुछ वैकेंसीज आई है नर्सिंग स्टाफ के लिए, और जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स किया, लाइफ साइंस का कोर्स किया है, बायोटेक्नोलॉजी के है, MLT किया है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, प्योरली कॉन्टेक्ट बेसिस पे है, यानी कि जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। ये कुछ टेक्निकल के लिए पोस्ट आई है, इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये MBBS वालों के लिए कुछ आई है, हम बात करने वाले हैं नर्सिंग स्टाफ की सबसे पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर जिन्होंने MLT का कोर्स किया उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें 48,000 प्लस HR यहाँ पर सैलरी रखी गई है। तो MLT वालों के लिए मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले नर्सिंग की बात करते हैं, यहाँ पर ये कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट के अंडर में इनको जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, ये पोस्ट का नाम है। यहाँ पर जो है इंटरव्यू रहेगा ICMR NIE 14/12/2022 को यहाँ पर इंटरव्यू रखी गई है ICMR NIE में। और ये दो वैकेंसीज निकाली गई है, OBC के लिए एक, SC के लिए एक। ICMR NIE चेन्नई, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, देखिए, ग्रेजुएट डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए साथ में आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है नर्सिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस इसमें एक्सपीरियंस आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने GNM, ये जो नर्सिंग करने से पहले आपने GNM या फिर ANM किया था, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो 3 साल की ज़रूरत पड़ रही थी। अब यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, तो BSc नर्सिंग वाले अगर होंगे तो उनको पहले यहाँ पर जॉब में रख लिया जाएगा। तो ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इससे जो है आपकी जॉब मिलने की चांस बढ़ जाती है। आपके पास एक्सपीरियंस होगा डेटा कलेक्शन का या फिर फील्ड हेल्थ रिसर्च सर्वे का, तो ये सब में जो है आपकी चांस बढ़ जाती है, सब एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में या फिर ब्लड कलेक्शन या फिर वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर जो है जॉब मिल जाती है। तमिल बोलने आना चाहिए आपको, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपके पास होना चाहिए। 31,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी, 33 वर्ष और 35 वर्ष OBC के लिए और SC के लिए यहाँ पर रखेगी है। यहाँ पर ड्यूटी आपका क्या रहेगा, देखिए, यहाँ पर एक तो आपको इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने हैं और डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये आपकी जॉब रहेगी। यहाँ पर वैक्सीन लगाने आपको आना चाहिए, सैंपल कलेक्ट करने आना चाहिए आपको, ठीक है, और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट को मेंटेन करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 6 मंथ का यहाँ पर टेन्योर रहेगा आपका, 6 मंथ के बाद आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 के अंडर में यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें ANM और GNM यहाँ पर जो है मंगा गया है क्वालिफिकेशन में। सेम यहाँ पर जो है इंटरव्यू प्लेस डेट और पोस्ट जो है 3 निकाली गई है, जनरल के लिए एक, OBC के लिए एक और SC के लिए एक। और यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर स्कूल या फिर इक्विवेलेंट 5 साल का एक्सपीरियंस साथ में, या फिर अगर आपने ANM या GNM किया है तो वो एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा। डिप्लोमा यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मंगा गया है नर्सिंग GNM में, ठीक है, और एक्सपीरियंस मंगा गया है वर्किंग इन फील्ड बेस्ड हेल्थ रिसर्च प्रोजेक्ट, सेम यहाँ पर वही चीज़ मंगी गई है। 17,000 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी, ये एज लिमिट है, और आपकी जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वैक्सीन लगाने का, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 मंथ का यहाँ पर अपना आपका जो है टेन्योर रहेगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B के अंडर में, नॉन मेडिकल के अंडर में लैब के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है, एक ही पोस्ट है। 12 दिसंबर को आपके यहाँ पर जो है वॉक इन इंटरव्यू रहेगी ICMR NIE में, ये जो है आपकी लोकेशन रहेगी पोस्टिंग की। और यहाँ पर
क्वालिफ़िकेशन में बहुत ही हायर क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, जो कि आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मास्टर डिग्री यहाँ पर जो है मांगी गई है, मास्टर डिग्री आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या फिर वायरोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी या होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस 2 साल का R&D आपके पास नहीं है तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, किस जो भी आपने सब्जेक्ट में पढ़ाई किया उसके लिए। या फिर यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वायरोलॉजी ये सारे में, प्लस आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो कि आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ा देता है, इसमें क्या चाहिए, डॉक्टरल डिग्री चाहिए या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मांगा गया है माइक्रोबायोलॉजी लैब टेक्नोलॉजी या फिर वायरोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। PCR में एक्सपीरियंस होना चाहिए, GCP और GLP में ट्रेंड होना चाहिए आपका, गुड साइंटिफिक स्किल्स आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये सारे आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको दी जाएगी यहाँ पर 48,000 प्लस आपको HRA भी दिया जाएगा पर मंथ, और 35 साल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी उतनी ही बड़ी रहेगी जितनी क्वालिफ़िकेशन आपको मांगा गया है, जैसे कि ये आपको पूरा प्लानिंग मैनेजमेंट करना है लेबोरेटरी कंपोनेंट्स का इस प्रोजेक्ट के दौरान, रिक्रूटमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, सुपरवाइज़ करना है लेबोरेटरी पर्सनल को, तो मतलब एक तरीके से आप हेड रहोगे उस डिपार्टमेंट के। और यहाँ पर जो है 3 मंथ का आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा, और हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो आगे के लिए भी आपको यहाँ पर रखा जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है, इस प्रोजेक्ट के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल के अंडर में प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मांगी गई है, ये MD DNB वालों के लिए है, ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नीचे में ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C के अंडर में यहाँ पर जो निकाली गई है, जो कि लाइफ साइंस वालों के लिए निकाली गई है, या फिर पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स जिन्होंने कोर्स किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस में माइक्रोबायोलॉजी लाइफ बायोकेमिस्ट्री ये सारी आती है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक और यहाँ पर आई है प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आई है, इसमें भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिन्होंने कोर्स किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस में क्या मांगा गया है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स आपको आना चाहिए, है ना, और हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए वर्क करने का, PCR को हैंडल करने आना चाहिए, MS ऑफिस चलाने आना चाहिए, 31,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पर ये सब जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। 6 मंथ का यहाँ पर आपका टेन्योर रहेगा और प्रोजेक्ट बेस पे यहाँ पर आपको आगे बढ़ाया जा सकता है आपका जो भी टेन्योर है। यहाँ पर फिर से स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, देख लीजिए, ये सारा यहाँ पर बताया गया है। अब आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर में है, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो चेन्नई का हो गया, एक हरियाणा का भी जो है वैकेंसी आया था वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ICMR NIE सेम यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है ये हरियाणा के लिए है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये चेंज है, देख लीजिए, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो है हरियाणा के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नॉन मेडिकल के अंडर में यही मास्टर डिग्री वगैरह चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर दिया हुआ है, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी मास्टर डिग्री किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हायर क्वालिफिकेशंस मांग रही है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बस आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पोस्ट निकाली गई है।